सनी सर, आपने इस कदर किरदार निभाया कि किरदार को आपने जीवंत कर दिया था, तारा सिंह के किरदार को, क्या रियल लाइफ में देश को अगर जरूरत पड़े कि किसी को लेके जाना है पाकिस्तान या पाकिस्तान से लाना है, श्रमों को ले जाएंगे? उसके अंदर हमारा हिस्सा जरूर होता है, तभी उसके अंदर जान भरी जाती है। तो जब कभी इस तरह की मुसीबत आए या कुछ ऐसी हो तो इंसान के अंदर ऐसा खून अंदर जोश बढ़ जाता है कि आदमी कुछ भी कर सकता है। दैनिक जागरण से यही बात होनी चाहिए हर इंसान में। बहुत ही खूबसूरत वाक्य याद दिलाना चाहती हूँ। अटल जी को एक सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा था पाकिस्तान की कि अगर मैं आपसे शादी कर लूँ तो मेहर में मुझे कश्मीर चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। नो बट इट्स नॉट कॉन्ट्रोवर्शियल। तो उन्होंने कहा अटल जी ने कहा कि मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। क्या बात? तो आप इसको, अगर आपकी किसी फैन ने आपसे ये सवाल किया तो आप क्या जवाब देंगे? लाहौर तो लेके जा ही गए, बोल दिया था। देखिए, बात कुछ ले जाने की या लेने की और देने की बात नहीं होती, बात होती है कि एक इंसानियत की होती है। ये झगड़े नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ उतना ही प्यार है। ये सियासी खेल होता है जो ये सब नफरतें पैदा करता है, और वही आप देखेंगे इस फिल्म में भी। जनता नहीं कोई चाहती कि एक दूसरे के साथ हम झगड़े या लड़े, बिकॉज आखिर हैं तो सब इसी मिट्टी से। हमेशा आपके लिए क्वेश्चन आया दैनिक जागरण से, ये कहते हैं कि 20 साल के बाद गदर देखने जा रहे हैं, लखनऊ की शूटिंग के दौरान बहुत बवाल हो गया, मतलब आपको देखने के लिए लोग बेताब हो गए थे, क्या हुआ था एग्जैक्टली बता दो। हमारा मुझे भी याद नहीं है। हाँ, झूठ बोल रहे हैं, पंप उखाड़ते थे। शूट इतना बढ़ जा रहा, इनके वैनिटी वैन में लोग घुस गए थे। नहीं, एक्चुअली शूट रोकनी पड़ी थी, वैनिटी वैन को वो मार रहे थे। हम लोग एक सॉन्ग सीक्वेंस शूट कर रहे थे और बहुत खूबसूरत सेटअप था पूरा, और बहुत मेहनत से हमारे कोरियोग्राफर और अनिल जी ने सब शॉट लगाए थे और इतनी मेहनत की थी, और नाइट शूटिंग थी। हालांकि ये भी नहीं था कि दिन में हम शूट कर रहे थे, लेकिन भीड़ इतनी आ गई थी और वो जाने को तैयार नहीं थी कि नहीं, हम शूटिंग होने ही नहीं देंगे। जान पे आ गए थे और हमारे मेकअप मैन पे इतने खट 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 कि अनिल जी ने कहा कि यू नो दे गोइंग टू थ्रो स्टोन्स इफ दे डोंट सी यू, सिर्फ आ जाइए बाहर, हाथ वेव कर दीजिए और निकल जाइए अपने होटल। सो इट वॉज लाइक दैट। और सिमिलर हादसा हुआ था अमृतसर में, उनको पता चला था कि सनी जी आ रहे हैं, तो वहाँ लाठी चार्जेस हुए थे, सब कुछ हुआ था। सनी जी को बस नेक्स्ट फ्लाइट वापस बॉम्बे जाना पड़ा था। सो गदर ने अंडर प्रोडक्शन भी बहुत गदर मचाई है। अरे लिंक में देखा था। फिर भाई ये देख रहा हूँ, बड़े गौर से आप वो पंप को देख रहे थे, बड़े गौर से देख रहे, क्या कुछ होने वाला है फिर से? मुझे पहले डर लग रहा था शायद आज कहीं कल ना हो जाए, लेकिन मेरे को पता चला कि ढेर सारे लोग हिंदुस्तान के दूसरे दूसरे कोने से आए हैं, हमारे जर्नलिस्ट भाई सब लोग आए हुए हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। और बाकी जो मेरे फैंस हैं, बल्ले बल्ले थोड़ी। सनी भाई, जब पहली बार बताया गया, जब अनिल जी आपके पास आए, उन्होंने कहा कि आपके नम हो गई थी आंखें, वो कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि मुझे फिल्म करनी ही चाहिए? हमेशा डर लगता है कि एक पिक्चर जो इतनी कंप्लीट फिल्म हो उसे फिर से छेड़ा जाए, तो इसलिए मैं डर बहुत रहा था। लेकिन जब शर्मा जी ने मुझे कहानी सुनाई तो खैर वो गदर गदर थी, अभी उम्मीद करता हूँ ये गदर भी एक तरह से गदर बने, और ये तभी होगा जब आप लोगों को फिल्म पसंद आएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये फिल्म पसंद आएगी, जिस तरह से आप लोग रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से इसका पूरा माहौल बना हुआ है पूरे देश में, नहीं पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं। और बस यही चाहूँगा कि ये भी जैसे गदर आपको छुई थी, ये भी आपके दिलों को छुए और जोश भर दे अपने परिवार के लिए, देश के लिए, बिकॉज सबसे बड़ी ताकत एक प्यार ही होती है, और प्यार से बड़ी ताकत कुछ नहीं है। क्या बात है हमेशा। 22 साल के बाद आप तो वैसे की वैसी हैं जैसे अनिल शर्मा जी बता रहे थे,
है ना, उत्कर्ष जी के बारे में बताया गया, तो क्या क्या चेंजेस था, क्योंकि वो कहानी अलग थी, ये कहानी कुछ अलग होने वाली है, तो क्या क्या अंतर आ गया है? एक्चुअली जो सवाल की गई थी मुझे जब मैंने ये फिल्म करने के लिए एक्सेप्ट किया था, पहले तो शुक्रिया था सबका, सभी ने ऑलरेडी कह दिया कि आप लोग इतने बारिश में देश के कोने कोने से आए हो। मैं पहले तो कहना चाहूँगी कि सबसे बड़ा थैंक यू टू द मोस्ट फैबुलस बेस्ट कोस्टा ऑफ माइन सानी जी, जिनके साथ अगर मुझे कहा जाए कि आप स्कूल के नाटक में हम स्टेज पे पौधे बनते थे ना, तो वो पौधे बन के भी रहो तो मैं हो जाऊंगी। बट अनिल जी जब ने मुझे पहली गदर की कहानी सुनाई थी, जब नितिन कैनी ने मुझे अप्रोच किया था, तब बहुत से लोगों ने, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत जाने माने हस्तियाँ थी फिल्म इंडस्ट्री के, बहुत बड़े लोग थे, बहुत बड़े जाने माने हस्तियाँ, सब ने कहा कि आप ये कैसे रोल करोगे और क्यों करोगे। सलमान खान के साथ मैं फिल्म कर रही थी, कॉलेज लड़की थी, अजय देवगन के साथ फिल्म कर रही थी, वो मेरे प्रोफेसर थे, मैं स्टूडेंट थी, वहाँ भी कॉलेज स्टूडेंट थी, ऋतिक के साथ दो दो फिल्में कर रही थी, कहो ना प्यार और आप मुझे लगने लगे, मैं कॉलेज स्टूडेंट थी। तो जब यहाँ मुझे ये सब्जेक्ट नरेशन करा किया था और कहो ना प्यार रिलीज नहीं हुई थी, तो सब ने कहा कि आप तो माँ का रोल कर ही नहीं पाओगे। तो मुझे चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं, इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड, मैं एक चैलेंज को, एक चुनौती को आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन जाके अपनाना चाहती हूँ। एंड आई हैड फेथ बिकॉज आई न्यू कि मेरे डायरेक्टर जो है ही इज़ ब्रिलियंट, एंड इतनी खूबसूरत प्रेम कहानी शायद ना कभी लिखी थी और ना लिखेंगे कोई भी, तो मुझे हाँ करना ही था। यस, बहुत मुश्किल था, लेकिन अनिल जी पेशेंटली मेरे साथ बैठते थे लुक पे, हर चीज़ पे, कि तब मैं कैसे थोड़ी मच्योर कॉलेज स्टूडेंट नहीं लगूँ, थोड़ी एक माँ का रोल जैसे मैं लग जाऊँ एक माँ। उन्होंने 6 महीने मेरे साथ लगातार डायलॉग्स पे, लुक पे, दिन रात हम लोग 12-12 घंटे बैठते थे, और लोगों ने गदर के आने के पहले गदर को गटर कहा था, और ये दिल को मुझे बहुत छू गई थी ये बात, और मैंने बोला डिजेक्शन नहीं, ये मैं ज़्यादा मेहनत करूँ। जब गदर 2 की बात आई तो फिर से वही सवाल उठे कि डूड हैव यू सीन योरसेल्फ ऑन इंस्टाग्राम, यू नो, लेजी लम्हे की लड़की अब कैसे गदर करेगी, हाउ विल शी प्ले अ मदर ऑफ अ 20+ year boy। मैंने बोला फिर से वही सेम सवाल, फिर से वही चुनौती, मुझे करना ही है। अगेन थैंक्स टू माई डायरेक्टर, माई फैबुलस मेकअप टीम, जयवन जी, पूजा जी एंड ग्रॉकी हु वर्क्ड ऑन माय कॉस्ट्यूम्स, हम 20-20 घंटे लुक टेस्ट करते रहे, और हम तस्वीरें भेजते थे अनिल जी को, और कुछ दिनों बाद जब हम सफल रहे मुझे थोड़ा सा और मैच्योर दिखाने के लिए फिल्म में, आई गॉट द मोस्ट ब्यूटिफुल मैसेज फ्रॉम अनिल जी सेइंग माय प्रेशियस सकीना इज बैक। वाह क्या बात है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन ऑल ऑफ ऑल दिस इज मिस्टर शारिक पटेल, क्योंकि ये सब मुमकिन नहीं होता अगर उन्होंने फेथ नहीं रखा होता कि 22 साल बाद भी उनमें हिम्मत थी कि एक जनरेशन जा चुका है, एक नई जनरेशन आ चुकी है, और उनके सामने ये आइकॉनिक फिल्म को प्रेजेंट करने के लिए हिम्मत, करेज, बॉल्स इफ आई मे से सो, इज ओनली एंड वन ओनली मिस्टर शारिक पटेल। एंड ही हैज अ फैबुलस टीम ऑफ पीपल, नीरज, निशित, कबीर, ऑल ऑफ देम, उन्होंने इतनी मेहनत की है, और आज उनकी वजह से वे स्टैंडिंग हियर। आप मुझे पूछ रहे हो कैसा लग रहा है, एक्चुअली जैसे सानी जी के आंसू निकल रहे हैं तो मेरे भी निकल रहे हैं, बस मैं थोड़ा सा स्केयर हूँ मेकअप खराब हो जाएगा। अनिल शर्मा जी का आप इतनी तारीफ कर रहे हैं।